गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं सुबह एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो जो हमने लास्ट टॉपिक जो है सॉल्यूशन चल रहा था हमारे स्कूल में, और स्कूल में जो टॉपिक चल रहा था वहाँ सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो क्लियर की थी कि कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन सी है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा क्योंकि लंबा गैप लग गया है, लंबे समय से आप बुक्स के कॉन्टैक्ट में नहीं हो, टीचर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं हो। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। इसके बाद में हमने टाइप ऑफ द सॉल्यूशन पढ़े थे कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, और सॉल्यूशन के टाइप में मैंने आपको बताया था सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। कोई भी सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वन इज द सॉल्यूट एंड अनदर इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया था। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंसंट्रेशन यूनिट, और कंसंट्रेशन यूनिट हमने स्टार्ट की थी। पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन यूनिट होती क्या है, और कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट एक्सप्रेस द टर्म्स अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म्स कंसंट्रेशन। ये मैंने डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखवा दी थी। इसके बाद में मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन यूनिट वन बाई वन किया था। पहले मास परसेंट डिस्कस किया था, फिर वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट में मैंने आपको दो बताया था, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, और वॉल्यूम परसेंट में वी बाई वी परसेंट आपको मैंने एक्सप्रेस किया था। इसके बाद में मैंने मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी ये क्वेश्चन किए थे। आफ्टर दैट हमने जो था ppm को डिस्कस किया था, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये कंसंट्रेशन यूनिट हमने डिस्कस की थी। आज हम जो डिस्कस कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों के जो रेशियो होता है उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। अभी इसी से हम जो है इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। दूसरा पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कैसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, वो एक चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सपोज कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास में दो कंपोनेंट है, ठीक है। इनमें ये सॉल्यूट हो सकता है, ये सॉल्वेंट हो सकता है, ये सॉल्वेंट हो सकता है, ये सॉल्यूट होता है। डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो आप लोग अमाउंट देखकर मालूम कर सकते हो कि सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा सॉल्यूशन के मिक्सचर में जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय द टू कंपोनेंट, वन इज द ए एंड अनदर इज द बी, ठीक है। तो यदि मान लीजिए, सपोज कीजिए हमें इसके अमाउंट दे रखा है डब्ल्यू ए, सॉल्यूट का अमाउंट हमको कितना दे रखा है डब्ल्यू ए, और सॉल्वेंट का अमाउंट हमको कितना दे रखा है डब्ल्यू बी, ये दे रखा है हमको, ठीक है। अब सपोज करो हमें एग्जाम में या हमें पता होना चाहिए कोई भी सॉल्यूट दे रखा है सॉल्वेंट दे रखा है तो उसका मोलिकुलर वेट भी पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए ए का मोलिकुलर वेट जो होगा वो एम ए है, और बी का जो मोलिकुलर वेट है वो आपका एम बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या क्या आ गया बेटो, हमारे पास में आ गया ए का मोलिकुलर वेट,
एंड एक का जो है वेट इन ग्राम, ये जो वेट दिया है वो किसमें दिया बेटा, ग्राम में, ये वेट दिया गया है वो किसमें दिया गया है, ग्राम में। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, हम जानते हैं मोल कैसे निकाल सकते हैं, मोल को जनरली एन से डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो हम ए जो कंपोनेंट ए है उसके मोल भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, दिस इज द मोल ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के मोल हमारे पास में आ गए, या फिर जो भी ए कंपोनेंट है उसका मोल हमारे पास में जो है मोल आ गए। इसी प्रकार से हम बी का मोल निकाल सकते हैं, एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, और एम बी जो है हमारे पास में मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी हमारे पास में बी कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास में मोल आ गए। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, दैट रेशियो इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हमने बताया था, अभी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम एक्स की जगह ए लिख लेंगे, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स ए बराबर हो जाएगा हमारे पास में एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज द मोल्स ऑफ द ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कंपोनेंट। इसी प्रकार से हम जो है बी मोल्स का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा हमारे पास में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट। तो ये हमारे पास में बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप लोगों को जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको ए और बी दोनों कंपोनेंट्स की अमाउंट दिए जाएंगे ग्राम में, और मोलिकुलर वेट यदि आपको दिया है तो है आप उसमें से निकाल सकते हो, नहीं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली एटोमिक वेट का जस्ट दुगना करके, और मोलिक्यूल का एटोमिक वेट को सम करके आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आ गए। अब कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ते हैं जो है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या है, जिन चीजों का हमें मोल फ्रैक्शन पढ़ते समय हमें ध्यान देना रखिए। तो हम जब अब पढ़ने जा रहे हैं हम की पॉइंट्स अबाउट मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन में कौन सा है। नंबर फर्स्ट कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज ए यूनिट लेस कंसंट्रेशन यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट लेस कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है, ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जो कि जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर आ रहा हूं, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है विच वन ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट इज नॉट कंटेन यूनिट, या फिर विच ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट इज द यूनिटलेस यूनिट, यूनिटलेस कंसंट्रेशन यूनिट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन ए मिक्सचर या सॉल्यूशन द सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, कि किसी भी जो सॉल्यूशन है उसका जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा सभी कंपोनेंट्स के, तो वो उनका सम हमेशा एक होगा, एक से ना तो वो कम हो सकता है ना ही वो ये हो सकता है। सपोज इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, कैसे एग्जांपल सपोज कीजिए हमारे पास में तीन कंपोनेंट है ए बी और सी, इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना है। इस
ए की मोल फ्रैक्शन हमारे पास में एक्स ए है, इस बी की मोल फ्रैक्शन हमारे पास में एक्स बी है, और इस सी की मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास में सी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एंड एक्स सी इज ऑलवेज इक्वल टू द वन। तो एक्स ए एक्स बी और एक्स सी का जो सम होगा वो हमेशा वन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम इस पे बेसिस कुछ एक आध न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है 78 ग्राम बेंजीन, 78 ग्राम बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बोथ कंपोनेंट। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, 78 ग्राम बेंजीन इज मिक्स्ड विद 36 ग्राम ऑफ H2O, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। तो आप लोगों को इसमें दो कंपोनेंट है, आप देख के बता सकते हो इसमें सोल्यूट हमारा जो है वो वॉटर होगा क्योंकि जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा बेंजीन होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है। हालांकि ये ऐसा कोई सॉल्यूशन बनता नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन करके अपन को एक क्वेश्चन का सोल्व निकालना है, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है और जो बेंजीन होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और पोलर और नॉन पोलर का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो पाता, लेकिन हमने क्वेश्चन सोल्व करने के हिसाब से ऐसा ही कोई सॉल्यूशन बना लिया। ये होमोजीनियस भी नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है वो देख लेते हैं। तो इस सॉल्यूट का अमाउंट जो है 36 ग्राम है, मतलब हमारे पास में जो हमने WA लिखा था अपने इक्वेशन में वो हमारे पास में दिया गया है, और हमारे पास में दूसरा बेंजीन का अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज 78 ग्राम, मतलब ये आपके पास में WB आ गया। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, आप लोगों को सबको पता है। अब देखिए इधर, पानी का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 होता, मतलब ये हमारे पास में MA आ गया, और जो सॉल्वेंट बेंजीन का जो हमारे पास में बेंजीन के हमारे पास में होता है वो करीब 70 होता है, पार्ट्स का 72 और 7 78 के करीब हमारे पास में इसका MB हो गया। तो हम इसका मोल निकाल लें, मोल ऑफ H2O निकालेंगे तो इसका अमाउंट ग्राम में कितना है 36, और इसका मोलिकुलर वेट कितना है 8। तो मोल भैया इसका जो आ गया हमारे पास में, 2 मोल आ गया हमारे पास में, पानी के कितने मोल आ गया इसके अंदर 2, और यदि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का अमाउंट कितना है 78 ग्राम, और इसके 78 ग्राम और इसका मोलिकुलर वेट 8, तो कितना हो गया 1। अब अपन मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं, ये इसका मोल आ गया C6H6 का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन, देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकालोगे। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितने टोटल 2, मोल्स ऑफ द टोटल मिक्सचर कितने हमारे पास में मोटल 2+1, तो हमारे पास में कितना आ गया टोटल 2/3, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में भी आप निकाल सकते हो, मतलब डेसिमल में वैसे वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, 3 6 18 2 and 3 6 18, 0.66 के करीब आएगा ये हमारे पास में। तो मोल्स ऑफ 18 क्या हो गया 0.66। देखो आप लोग एक चीज यहाँ पे, यदि एक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो ना तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत इजी होगा। कैसे इजी होगा, देखो बच्चों हमने भी पढ़ा था कि सम ऑफ द ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द वन। तो हमारे पास में यहाँ पे तो एक बताओ, एक कंपोनेंट का हमारे पास में मोल फ्रैक्शन है तो दूसरा हमें निकालना है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 - xA, ये करके हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स बी निकालना है हमें, तो एक्स बी बराबर 1 - xA का मान रख दो 0.66, तो हमारे पास में एक्स ए कितना आ गया 0.33 हमारे पास में आंसर आ गया। तो
तो इस प्रकार से हम किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन लेंगे। मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ, इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है क्योंकि बेंजीन और वाटर जो है कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेंजीन जो है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है जबकि वाटर हमारा जो है पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये हमारे बेटा जब भी अपनी जो ही कंसंट्रेशन यूनिट की बात करें, कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स और रह गई थी वो मैं और डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद में हम बात डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ की, STRENGTH स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्या होती है बच्चों स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ जो होती है, मैं एक बार बोलता हूं आपके सामने, स्ट्रेंथ इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एग्जिस्ट इन ग्राम इन ए सॉल्वेंट, कि किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ। इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय द स्ट्रेंथ। तो इन वन लीटर में रिपीट करता हूं एक बार, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हायर द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हायर द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन। जनरली हम जो सॉल्यूट का अमाउंट लेते हैं इसके अंदर ग्राम के अंदर लेते हैं, जनरली जब हम सॉल्यूट का अमाउंट लेते हैं वो किसमें लेते हैं, ग्राम में। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वन लीटर सॉल्यूशन दैट इज नॉन एज स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर, क्योंकि अमाउंट ऑफ ग्राम होता है वो एक लीटर में कितना प्रेजेंट है, या इसको हम जनरली हम जो बोलते हैं वो है GPL, ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ। कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग जानते हैं स्ट्रेंथ क्या है। किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लो सॉल्यूट अमाउंट, तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन की तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और यदि मान लो सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो हम कहेंगे इस अमाउंट की सॉल्यूशन की तो स्ट्रेंथ बहुत कम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीबी, हालांकि हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो वहां कॉपी में मैंने लिखवाया था आपको कि पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, और पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। मैं इसको डिफाइन करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम किलोग्राम प्रेजेंट इन 10^9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम किलोग्राम प्रेजेंट इन 10^9 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज नॉन एज पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी। तो हम इसको किस प्रकार से कहते हैं, पीपीबी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जनरली ग्राम में लेते हैं, किलोग्राम जो है बहुत यूनिट होगी तो जनरली हम ग्राम ही लिखेंगे इसके अंदर, अमाउंट ऑफ ग्राम और मिलीग्राम भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन जो यूनिट हमारे सॉल्यूट की होगी वही यूनिट हम इसके अंदर लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यदि ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में होगी, इनटू 10^9 दैट इज नोन एज द पार्ट्स पर बिलियन। तो ये हमारे पास में बच्चों जो है पीपीएम पढ़ाया था इससे पहले, जो कि हमारी एनसीईआरटी की यूनिट में है, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन एग्जिस्ट इन ग्राम एग्जिस्ट इन 10^6 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द
पीपीएम। तो पीपीएम जनरली जो होती है, यदि कोई हमारा कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर एग्जिस्ट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, देन विच टाइप ऑफ यूनिट इज टेकन इन पीपीएम। मैं वापस रिपीट करता हूं एक बार, व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एग्जिस्ट इन वेरी ट्रेस इन ट्रेस अमाउंट देन वी टेक पीपीएम यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट। एंड इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एग्जिस्ट इन वेरी 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 ट्रेस अमाउंट then which type of unit is taken, then we taken parts per billion, ppb unit is taken। तो इसी के साथ में हमारी जो है हमने concentration unit solution start किया था, उसमें हमने concentration unit को discuss किया था। आज का हम अब जो है हम start करने जा रहे हैं solution solubility of the solute in solution। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास में solution हमने physical state के पढ़े थे, तो हम सबसे अब नया topic जो start करने जा रहे हैं That is known as solubility। Solubility को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और solubility में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले solubility of solid substance in liquid। Solid यदि कोई solid है उसकी liquid में solubility किन किन factor से इफेक्ट होती है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को हम पढ़ने से पहले दो टर्म्स हम जो हैं डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन और दूसरी टर्म जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉल्वेशन। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन का और डिसोल्यूशन का। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास में कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मिलके बना है किसी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा जो है वो लिक्विड है। यदि सपोज करो सुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, इसका एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन जो हमारा सुगर सॉल्यूशन होता है उसमें सुगर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। जब फिजिकल स्टेट पढ़ी थी हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, तो उसमें हमने सॉलिड लिक्विड एक सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके अंदर मैंने सुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। तो इधर देखिए क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड हमारे पास में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा जो है लिक्विड है। अब यदि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज रिमूव्ड इन दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन देन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज अकर। मैं रिपीट करता हूं एक बार, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिमूव्ड इन ए सॉल्यूशन देन दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन ए सुगर सॉल्यूशन इज टेकन एंड हीटेड and then all water amount is evaporated until when we solution is heated until the all amount of the solvent is evaporated and the crystals of the sugar is made in this solution, this process is known as crystallization। मैं वापस रिपीट करता हूं कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पूरे पानी को गर्म करके इवेपोरेट कर देते हैं तो हमारे पास में जो होंगे सुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और सुगर के जो क्रिस्टल्स बनेंगे उन्हीं को हम क्रिस्टल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके रिवर्स प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से उस वाटर की या फिर किसी सॉल्वेंट की जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से वो पूरा सॉल्यूट जो है कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और कम्प्लीटली डिजोल्व होने से वो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है उस सब्सटेंस के अंदर। मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार, व्हेन ए सॉल्यूट इज मिक्स इन ए सॉल्वेंट देन ए सॉल्वेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड दिस सॉल्वेशन एनर्जी डिजोल्व द होमोजेनियसली इन द सॉल्यूशन एंड ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। मतलब सॉलिड एंड सॉलिड सब्सटेंस
और सॉल्वेंट का, सॉलिड सब्सटेंस और सॉल्वेंट का होमोजीनियसली होमोजीनियसली मिक्स होना हमारा जो प्रोसेस कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशंस। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या जो अगला वीडियो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप देखते जाइए। कल से हम जो है ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के जाकर क्लिक करें।